जब से प्रदेश ने निजी बस चालकों को 1 जून से बसें चलाने के आदेश जारी किए हैं, तब से निजी बस ऑपरेटर गहरी चिंता में पड़ गए हैं। उनके माने तो बस चलाने के लिए प्रदेश सरकार ने जो नियम बस चालकों और संचालकों के समक्ष रखे हैं, उन शर्तों पर वे बसें नहीं चला सकते हैं। ये जानकारी शूलनी प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष रविंद्र मेहता ने दी। उन्होंने कहा कि बस ऑपरेटर पहले से ही बहुत घाटे में चल रहे हैं, ऊपर से उन्हें अपने स्टाफ को वेतन भी देना पड़ रहा है। उनकी बसें करीब 2 माह से खड़ी हैं और आमदनी का जरिया बिल्कुल बंद हो चुका है। ऐसे में प्रदेश सरकार को कुछ राहत बस ऑपरेटरों को देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें और घाटे में बस चलाने के लिए कहा जा रहा है, जो कि तर्कसंगत नहीं है। शूलनी प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष रविंद्र मेहता ने बताया कि सरकार ने कहा है कि निजी बसें 1 जून से चलेंगी, लेकिन वे 7% कैपेसिटी पर चलेंगी और सवारियों से पुराना किराया ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर वे 40% सवारियों को बिठा नहीं पाएंगे तो वे चालक और परिचालक और बस का रखरखाव का खर्च कैसे निकालेंगे। इसलिए अगर प्रदेश सरकार उन्हें पुराने रेट पर ही बस चलाने को कहेगी तो वे बस नहीं चलाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बस में 40% सवारियों को ना बिठाने से जो घाटा बस चालकों को होगा, उसे प्रदेश सरकार सब्सिडी देकर समाप्त कर सकती है। अगर वे ऐसा नहीं करने चाहती है तो वे बस का किराया बढ़ा सकती है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि बस चालक कोरोना संकट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे में सरकार चालक और परिचालकों को PPE किट प्रदान करे और साथ में 1 करोड़ तक की इंश्योरेंस भी मुहैया करवाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 3200 निजी बसें चलती हैं, ऐसे में 1 वर्ष का करीब 1 लाख टैक्स प्रदान करती हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार को चाहिए कि वे इस आड़े वक्त में बस चालकों का साथ दे। 60% ऑक्यूपेंसी पे हमें नहीं लगता कि निजी बस ऑपरेटर चल पाएगा। कारण उसका मुख्य कारण यह है इसमें कि हमारा गाड़ी का रख रखाव में इतने ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे कि हम गाड़ी को चला ही नहीं पाएंगे। इसमें हमारी गवर्नमेंट से ये आग्रह है कि प्रदेश सरकार या तो किराए में बढ़ोतरी करे, और यदि किराए में बढ़ोतरी नहीं करनी है और 60% ऑक्यूपेंसी पे गाड़ियों को चलाना है तो जो बाकी सीटें बचती है गाड़ी की उसमें सब्सिडी के रूप में हिमाचल के निजी बस ऑपरेटर्स को पैसा दिया जाए। क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लोगों का आवाजाही का मुख्य साधन बसें ही हैं, और ये जो महामारी है, इस महामारी में हमें कार्य भी करना है और काम भी करना है और बसेस को भी चलाना है। तो इस सब को देखते हुए प्रदेश सरकार को चाहिए कि या तो किराया बढ़ाए या सब्सिडी के रूप में पैसा दे हिमाचल के निजी बस ऑपरेटर्स को। और जहाँ तक बात आ रही है कि पिछले 2 महीनों की अगर हम बात करें, 23 मार्च से बसें खड़ी है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल का 3200 बस ऑपरेटर्स का एक फ्लीट है। हिमाचल का जो बस ऑपरेटर है, एक एक बस ऑपरेटर हिमाचल सरकार को 1 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए का टैक्स प्रतिवर्ष देता है। और अगर हम बात करें HRTC की, तो HRTC भी हमारी तरह ही ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। और पिछले महीने हिमाचल सरकार ने 55 करोड़ रुपया का अनुदान HRTC को दिया गया, लेकिन अगर हम निजी बस ऑपरेटर्स की बात करें तो उन्हें कोई अनुदान या कोई राहत प्रदान नहीं की गई है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ कई लोग जुड़े हैं, हमारे बस ऑपरेटर्स, और उसके साथ जो है ड्राइवर कंडक्टर हैं बेचारे, वो इतने समय से उनकी तनख्वाहें भी बस ऑपरेटर अपनी जेब से दे रहे हैं। तो ये आर्थिक पैकेज जो है सरकार को, निजी बस ऑपरेटर्स को एक एक बस के लिए 5-5 लाख रुपए का आर्थिक पैकेज देना चाहिए इस समय। और ये तभी संभव हो पाएगा जब सरकार हमें कुछ पैकेज देगी और साथ में किराए की बढ़ोतरी करेगी या फिर सब्सिडी के रूप में जो क्षमता बचती है 40% की, उसके हमें पैसे देगी, तभी बसों का ऑपरेशन हो सकेगा, नहीं तो बसें चलाना असंभव है। और दूसरा, हिमाचल सरकार को निजी बसों को इस तरह से बनाना चाहिए कि हर आदमी जिसके पास अपनी कार भी है वो ये सोचे कि मुझे कार में नहीं जाना बल्कि बस में जाना है, बस में सफ़र करना है। आने वाले समय में जैसे ही बसेस का संचालन होगा तो हमारी प्रदेश सरकार को ये चाहिए कि जो हमारे बसेस में ड्राइवर कंडक्टर्स हैं उन्हें PPE किट मुहैया करवाई जाए। उसके साथ ही ड्राइवर कंडक्टर
और बस का जो मालिक है उसकी 1-1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस करवाई जाए, क्योंकि वो इस महामारी में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और उन्हें भी जान का खतरा है, तो उन्हें सुरक्षित रखना भी सरकार का अहम दायित्व है।